हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे ऐसे साग की रेसिपी जिसे खाने के बाद शरीर में बहुत ही जल्द खून की कमी दूर हो जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा फायदे वाले साग है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, देर न करते हुए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम मार्केट से लाए हैं ये 8 बंडल कोयला खड़ा साग। 4 बंडल आज बनाएंगे और 4 बंडल को कल बनाएंगे। तो इस तरीके से इसे खोलेंगे और इसका एक एक पत्ते को अच्छे से छांट लेना है। आप लोग इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरीके से इसके गंदे वाले पत्ते को हमें हटा देना है, और नीचे से जो डंठल टाइट है इसे भी तोड़ के हटा देना है, और इसका सॉफ्ट वाले पत्ते और डंठल को ही यूज़ करना है जिससे कि ये खाने में अच्छा लगता है। और पत्ते को पूरा ध्यान में रखते हुए ही चुनना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदा भी रहता है और इस तरीके से कीड़े मकोड़े का अंडा भी रह सकता है। तो एक एक पत्ते को हमें ध्यान में रखते हुए ही छांटना है। और इसका डंठल टाइट है पर पत्ता पूरा सॉफ्ट है, तो इस तरीके से पत्ते को हम तोड़ के ले लेंगे और डंठल को फेंक देना है। तो इसी तरीके से हमें सारे साग को छांट लेना है। और ये देखिए, इस साग में इस तरीके से कांटा भी होता है, तो इसे बहुत ही सावधानी से हटाना है क्योंकि ये अगर गलती से हाथ में लग जाता है तो अंदर टूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। तो हमें इसे बहुत ही सावधानी से तोड़ तोड़ के हटाना है जिससे कि एक भी कांटा साग में ना छूटे। तो हमें इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ही सारे साग को चुनना है। तो इसी तरीके से हम सारे कांटे को हटा लेंगे। और अगर आपको ये साग कहीं मिल जाए तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तो ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने में थोड़ा मेहनत तो लगता है पर हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ है, तो इसे ज़रूर बनाकर खाएं। जिन लोगों को हमेशा खून की कमी रहती है वो इसका जूस पी सकते हैं जिससे कि खून की कमी बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें सारे साग को चुनना है और इसका जूस बनाने के लिए 8 से 10 पत्ता लेना है, और उसे पीस के डेली सुबह खाली पेट में पी सकते हैं जिससे कि बहुत ही जल्द खून की कमी दूर हो जाएगी। और ये अधिकतर खेत, मेड़ या फिर पानी वाले इलाके में ही उगता है जिससे कि इसमें कीचड़ भी लग जाता है। तो इसे चुनने के बाद हमें बाल्टी बाल्टी भर पानी में डुबो डुबो के 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेना है जिससे कि इसमें कोई कीचड़ या गंदगी ना रहे। और ये साग बीपी और शुगर वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इससे बीपी और शुगर कंट्रोल में रहता है। तो इसे बनाकर जरूर खाएं। साग को चुनने के बाद हमने साफ पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। आप इसे चाकू या बैठे किसी से भी काट सकते हैं और इसे थोड़ा बारीक बारीक काट लेंगे। तो अब लेते हैं एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मूंग और मसूर दाल। मूंग और मसूर दाल को हम मिक्स करके ले रहे हैं। आप चाहे तो इसमें सिर्फ मूंग दाल या फिर मसूर दाल ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। नमक हमें कम ही लेना है क्योंकि साग जब पक जाता है तो बिल्कुल कम हो जाता है। अब इसे ढक के मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। 5 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। दाल हमारा थोड़ा पक गया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम काट के रखे हुए साग को। और साग में दाल यूज़ करने से ये साग बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए हम दाल मिक्स किए हैं। अगर आपको साग में दाल पसंद नहीं है तो आप दाल को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ढक के हम तब तक पकाएंगे जब तक कि साग सॉफ्ट ना हो जाए। ये साग वैसे तो 5 से 7 मिनट में पक जाता है, तो इसे बीच बीच में 1-2 बार चेक करना है। साग को पकाते हुए 7 मिनट हो गया है, तो अब हम साग को चेक कर लेते हैं। बीच बीच में हमने इसे 2 बार चला लिया था, तो अब इसे चेक कर लेंगे। साग हमारा अच्छे से पक गया है। गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अगर साग में पानी हो तो उसे हाई फ्लेम करके सुखा लेना है, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। पानी में काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, आयरन और मिनरल्स होते हैं, तो साग वाला पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। सारे साग को निकाल लिए हैं, तो अब इसे अच्छी तरीके से हम धो लेंगे, क्योंकि अब साग में छौंका लगाएंगे। कढ़ाई को फिर से गर्म होने के लिए रख दिए हैं और इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। आप सरसों तेल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई और राई को अच्छे से चटका लेंगे। राई हमारा चटकने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसे चलाते हुए हम हल्का सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे साग को और इसे हम चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि साग अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। क्योंकि साग में अगर एक्स्ट्रा पानी रहेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम में बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अगर आप इस तरीके से एक बार साग बनाएंगे तो जो बच्चे साग खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा है, तो आप इसे बच्चों को भी खिलाएं। हमने इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और साग हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व कर दिया है। आपको हमारा आज का ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।